धोनी साहब ने क्या आगे का एजेंडा तय किया फ्यूचर प्लान को लेकर? पहले आप ये बताइए, पहले आप मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार अपना एजेंडा तो बताए कि हमारा एजेंडा क्या है, क्यों ये राजहट पर टिकी हुई है सरकार। ये आंदोलन पहले पंजाब में 3 महीने चल करके अब जो है हर जगह बहरी बैठी है। एक मिनट, सरकार बहरी बैठी है सरकार। अब ये जो लड़ाई है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा गया उसी तरह से हमारे किसानों आम जन की ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब सरकार की कान खुलेगी। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, सरकार की ये राजहट है, वो ये लड़ाई को दूसरे तरफ घुमाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक तो हम लोग अहिंसात्मक शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की जो रणनीति बता रही है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया उसी तरह से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और उसे हम आपको बता देते हैं कि जो सरकार के स्टूडियो में बैठे नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो अपने स्टूडियो में बैठ कर न दे। हम लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी थी, जिसमें मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूँ कि मैं बलिया से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। 1857 से लेकर के 1942 के आंदोलन में हम लोगों ने कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है। ये सरकार के चापलूस स्टूडियो में बैठ करके उस देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये सर्टिफिकेट अपना बंद करे और पूंजीपतियों को गुलाम बनाने की जो रणनीति है इसको हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। सरकार हम लोगों को नहीं छुसा सकती है, सरकार को हम लोग ये बताना जानते हैं, क्योंकि हमारे उन पूर्वजों की खून है, मंगल पांडे की खून है, चित्तू पांडे का खून है, चित्तू पांडे का खून है, हमारे रग में वो खून है, हमने वो देश की कुर्बानियां दी है। मैं सरकार को ये आगाह करना चाहता हूँ, और सरकार हम लोगों का परीक्षा ले रही है, घुमा रहे हैं, उसके नुमाइंदे घुमा रहे हैं, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है। मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को कि उसके नुमाइंदे बलिए कहना बंद करे, ये कहना बंद करे, नहीं तो ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आज मीटिंग होने वाली है किसान यूनियन की तरफ से सरकार के बीच में, तो उसको लेकर क्या जानकारी आपको? इसके लिए जो भी नहीं, चंदौनी साहब जाने वाले हैं मीटिंग में, या मीटिंग में आप कैंसिल करने वाले हैं, क्या निर्णय लिया है? मीटिंग में जाएंगे, यूनियन की तरफ से क्या फैसला हुआ है? ये तो जो हमारे लीडर है, जो उनका फैसला रहेगा वो पब्लिक का फैसला। वही तो कहूं, जैसे कि आज की कुछ डेट सुनने में आ रहा है कि आज मीटिंग होगी, तो वही पूछ रहा हूं कि सरकार इसको आगे टालना चाहती है। अच्छा, आगे टालना चाहती है। हमारे जो नेता है वो तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर जो सरकार बात नहीं कर रही, सरकार टालना चाहती है इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपके माध्यम से जो बताना चाहते हैं, तो ये जो पब्लिक रोड पर दिन रात आपने संघर्ष के लिए बैठी हुई, अपने मुद्दों के लिए बैठी हुई है, तो अगर इनकी वोटों से सरकार बनी होती तो उनको फीलिंग होती। ये मशीन की वोटों से बनी हुई है, जो अपनी मनमर्जी की वोटें डाल करके सरकार बनी हुई है और पूंजीपतियों की आशीर्वाद से बनी हुई है, इसलिए इनको ये पब्लिक की फीलिंग नहीं आ रही। अगर इनकी वोटों से बनी होती तो इनकी बात पक्का सुन। ठीक है जी, आपका क्या कहना है आंदोलन को लेकर? इधर से बात, प्रधान साहब जी बात कर रहे हैं। तो जी ये दो आंदोलन चल रहे हैं, आप 30 दिन से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इसको लेकर जो अभी तक आपने क्या फील किया है, सरकार बात नहीं सुन रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ने बात सुननी पड़ेगी जी। ये जिन्ने जो अंदोलन जिदन शुरू होया सी, दिन पो दिन वधदा जा रहा है। जे 500 बंदा वापस जाता पाया तो 1000 बंदा होर आ रहा है साढ़े पिंडों। मतलब एक बंदे आपका काम दूजे घर दे के घर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहा है।
जिन्हें बार्डर आए थे होर भी मतलब भी ज्यादा संघर्ष तेज किया जाऊगा। सारा भाईचारा इतने इकट्ठा हो रहा जी, ठीक है ना जी, सारे मिल के मोदी सरकार नु झुकना पाऊगा जी। ठीक है, नारा लगा दे कपड़ा, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी।